आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था, आपका पढ़ के हो गया फर्स्ट चैप्टर गाइस? ओरिजिन हाँ ऑफ सॉइल मैंने बोला था, ओरिजिन ऑफ सॉइल आप पूरा पढ़ लो, और उसके वॉल्यूम टू के बुक में क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो करके। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे पूरे थ्योरी क्वेश्चंस है, क्लासरूम क्वेश्चंस जो भी है, तो थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पूरे पूरे आंसर्स है, तो आप यहाँ से देख लो। अब ये जो है, ये सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर इसका थ्योरी हमने देख लिया है, आपको बुकलेट से भी थ्योरी यानी देखना पड़ेगा। ओके, डेफिनेशंस एंड रिलेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, तो ये जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको बुकलेट से भी पढ़नी पड़ेगी, एंड आपको यहाँ से भी जाना पड़ेगा, कहाँ से, जो मैंने कल लिख के दिया क्वेश्चंस, उससे भी आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चन है, प्लीज गो थ्रू दैट सॉल्व क्वेश्चन। जो भी सॉल्व क्वेश्चन आपको नहीं समझा वो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हैं। ऐसी कोई क्वेश्चन है प्राची, राहुल, आपको नहीं समझा, आपने सॉल्व किया होगा, खुशबू? हेलो, नहीं ओके, नहीं है प्राची, आपको है क्या? सर, सवाल नहीं किया मैंने सेकंड चैप्टर के। सर आवाज नहीं आ रहा आपका बराबर, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरे को मेरे हुए ही नहीं सवाल। हुए ही नहीं आपके सॉल्व? ओके, नो इश्यूज, आपको करना पड़ेगा सॉल्व, आप करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। तो डायरेक्टली जाते हैं हम फिर क्लासरूम क्वेश्चंस पे। सो क्लासरूम क्वेश्चंस पे जब हम जा रहे हैं, तब पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिख रहा, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है गाइस, फॉलोइंग डाटा आर गिवन फॉर टू सॉइल सैंपल, दो सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल ए एंड सैंपल बी। तो सैंपल ए का वॉइड रेशियो देखिए, टोटल वॉल्यूम देखिए, सैंपल ए का वॉइड रेशियो और वॉल्यूम देखिए। तो यहाँ पे प्लीज आप ये कर लो, दोनों जगह सैंपल ए सैंपल देखिए, तो ये सैंपल ए है, तो ये सैंपल बी है, सैंपल ए का वॉइड रेशियो एंड सैंपल बी का वॉइड रेशियो, सैंपल ए का वॉल्यूम एंड सैंपल बी का वॉल्यूम। ओके, ये देखिए, तो देन बोला क्या गया है, बोला ये गया है द टू सैंपल आर मिक्स्ड, दोनों सैंपल मिक्स कर दिए एंड कॉम्पैक्टेड इन अ मोल्ड ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, पोरोसिटी ऑफ सैंपल इज, तो इसकी पोरोसिटी क्या रहेगी ये पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको वॉइड रेशियो 1 और वॉइड रेशियो 2 ये दोनों देखे हैं, तो वॉइड रेशियो 1 और वॉइड रेशियो 2 अगर आपको देखे है, तो वहां से आपको सॉइल मिक्स ये करके निकालना है, सॉइल मिक्स, सॉइल मिक्स निकालना है, सॉइल मिक्स निकाल के आपको और टोटल वॉल्यूम जो भी है वो दोनों क्या देखे हैं, 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर ही देखे हैं। सो टोटल वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर ही है, तो उसमें से आपका वॉइड रेशियो कितना निकलता, और वो वॉइड रेशियो टू द टोटल वॉल्यूम इट इज नथिंग बट अवर पोरोसिटी। अब आओ इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते कि यानी सॉइल मिक्स यानी क्या और किस तरह ये सॉल्व होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, पेज नंबर का है प्रणीता? हाँ, 13। सो सैंपल 1 इज नथिंग बट सैंपल ए, इसका ई कितना देखे हैं, 1, वॉल्यूम 1 इट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। ओके, सैंपल 2, सैंपल आप बोल सकते हैं बी, एक मिनट गाइस,
इट इज इक्वल टू वन, वॉल्यूम इट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। देन सैंपल बी, इट इज इक्वल टू 1 अगेन और 1.5, 1.5, वॉल्यूम इट इज इक्वल टू 1, ओके, वॉल्यूम इट इज इक्वल टू 1। एंड एनीथिंग एल्स, अगेन कुछ देखे है, कुछ देखे है क्या गाइस? वन मिनट, हाँ कॉम्पैक्टेड मोल्ड देखे है और पोरोसिटी बोला है, कॉम्पैक्टेड मोल्ड इज गिवन एंड आपको पोरोसिटी निकालनी है। ओके सो यहां पे देखो, अभी आपको सॉइल मिक्स निकालना है, सॉइल मिक्स निकालना है, तो ई मिक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले, मिक्स ई वन ई टू। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्टली ई मिक्स किस तरह, तो ई मिक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, ई मिक्स देन वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। सो ई मिक्स फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ई मिक्स इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि मैं थ्री फेज डायग्राम अगर देखूं, तब मुझे पता है कि ये सॉलिड है मेरा और ये क्या है, वॉइड है। तो वॉइड में मेरा वॉटर भी है और मेरा एयर भी है, दोनों है। ओके सो ये वी वी और ये वी एस इज नथिंग बट टोटल वी। सो वी वी प्लस वी एस इट इज इक्वल टू वी मतलब वन, मतलब वन यहां पे तो भी अभी ऐसे ही दिख रहा। ओके और ये मेरा जो है, ये मेरा इक्वेशन वन और ये मेरा इक्वेशन टू। ओके इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, सो वन मिनट, इक्वेशन टू आप ई वन इट इज इक्वल्स टू वी वी बाय वी एस पकड़ लेता मैं। ओके वी वी बाय वी एस, सो वी वी बाय वी एस, सो ई एस इट इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एस इट इज इक्वल्स टू व्हाट, VV is equals to VS minus, यानी V minus VS भी बोल सकता मैं, VV it is equals to V minus VS भी बोल सकता, और V it is equals to 1 क्यूबिक मीटर है, ये अपने को देखिए, V it is equals to टोटल क्या है आपका 1 क्यूबिक मीटर है। सो आप यहां से E निकाल सकते हैं क्या, E तो देखिए ये बोलना सर, E it is equals to 1 VV by VS है। सो वी वी के टर्म्स में आप अगर वी के टर्म्स में वी एस लिख लेते हैं, तो वी एस के टर्म्स में आपका वी एस भी निकल सकता है, यानी कैसी कि अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ इज इक्वल टू वन है टोटल वी, यानी ये टोटल वी इट इज इक्वल टू वन है, तो टोटल वी यानी क्या हो रहा मेरा, वी एस प्लस वी वी हो रहा, इट इज इक्वल टू वन हो रहा। सो वी वी इट इज इक्वल टू, इफ इट इज वी टेक इट अबाउट वी वी इट इज इक्वल टू वन माइनस, वी एस इज इक्वल टू 1 माइनस वी वी, और आप ये भी बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं आप, वन मिनट गाइस, वी एस को उधर लेके चले जाओ, वी वी को वी वी यानी सॉरी वी एस इज इक्वल टू 1 माइनस वी वी। सो 1 माइनस वी वी मैं अगर कर दू, तो 1 माइनस वी वी अगर मैं यहाँ पे डाल दू, तो मेरा 1 इट इज इक्वल टू, अगर मैं डाल दिया 1 इट इज इक्वल टू। सो यहां से ये तो पता चल गया आपको कि वी एस इज इक्वल टू वी वी है, कहां से, यहां से, तो 1 माइनस यानी वी वी, वन मिनट गाइस, वन मिनट सॉरी, यहां से आपको ई इज इक्वल टू वी वी बाय वी एस है, तो वी एस इट इज इक्वल टू वी वी डायरेक्टली आपका पता चल जाता, कहां से, ये वाले E के फॉर्म से। ओके क्योंकि E इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब वी वी इज इक्वल टू वी एस होगा। सो यही फॉर्म मैं यहां पे डाल देता, तो वी एस इज इक्वल टू वी वी
यानी वी एस प्लस वी एस इट इज इक्वल टू वन, यानी वी एस यानी ट्वाइस वी एस, सो वी ट्वाइस वी एस इज इक्वल टू वन, यानी वी एस इज इक्वल टू 0.5, सो वी वी इट इज इक्वल टू अगेन 0.5, वी वी एंड वी एस इज 0.5 0.5 अगर मैंने सॉल्व किया तो। अब मैं यहां पे भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ई इट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा ई टू, इट इज इक्वल टू वी वी बाय वी एस, सो वी वी बाय वी एस हो गया। अब वी वी बाय वी एस, वी एस इज इक्वल टू मैं यहां पे लेके जाऊंगा, यानी ये मेरा 1.5 है, सो 1.5 वी वी बाय वी एस, सो वी 1.5 वी एस इट इज इक्वल टू वी वी, ये मैं पुट कर दूंगा। वॉल्यूम मेरा कितना है 1 m³ है, सो वॉल्यूम मेरा टोटल वॉल्यूम यानी क्या होता है वी एस प्लस वी वी इट इज इक्वल टू 1। देखिए आपको, सो वी एस 1.5 वी एस इज इक्वल टू वी वी है, तो वी एस इज इक्वल टू वी वी के टर्म्स में आप पुट कर दो 1.5 वी एस इज इक्वल टू वी वी, सो 1.5 वी एस, वी एस प्लस 1.5 वी एस 1, सो 2.5 वी एस हो गया, सो वी एस इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस यहाँ पे फिर 1 / 2.5 0.4। यस, अगर ये 0.4 हो गया तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो, ये इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 पे वी एस की, तो मुझे वीवी भी पता चल जाएगा, तो वीवी कितना रहेगा मेरा 0.6, ओके दैट इज m³। ओके वॉल्यूम है दैट इज इन m³, समझा क्या गाइस, समझा क्या? हेलो दीप्ति, ओके ओके, फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज अगर आपने लास्ट क्लास नहीं किया है तो फॉर्मूलेज जैसी है वही समझ लो आप, फॉर्मूलेज तो आपको फिर से वही देख के रिवाइज करके रट्टा करना है बोले तो करना है। ओके सो अभी जो ई मिक्स मुझे करना है, यानी मैं क्या कर रहा कि एक मैं मॉल्ड ले रहा 1 m³ का, उसमें मैं मेरी सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट करके ये कर रहा, कॉम्पैक्ट करके फिक्स कर रहा। अब मेरे पास टोटल सॉलिड कितना है, टोटल सॉलिड अगर मैं देख रहा तो ये 1 और ये 2, सो टोटल सॉलिड इज इक्वल टू वी एस 1 + VS 2, 0.5 + 0.4 0.9, इट इज टोटल सॉलिड, ओके इट इज टोटल सॉलिड 0.5 + 0.9। और मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मॉल्ड कितना है, वॉल्यूम ऑफ मॉल्ड मेरा कितना है कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम ऑफ मॉल्ड, ये इतना m³ हो गया टोटल सॉलिड, ओके टोटल सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ मॉल्ड, वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड मॉल्ड 1 m³, 1 m³ है। सो गाइस निकल गया आंसर यहाँ पे क्या निकल गया आंसर कि अगर मेरे पास वी एस इतना है, ये टोटल वी एस है, वी एस मिक्स बोल सकता मैं, वी एक्स मिक्स मेरे पास 9 है, और टोटल वॉल्यूम मेरे पास वी मेरे पास कितना है, वी मेरे पास 1 m³ है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना बचा फिर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड वीवी मिक्स, सो वीवी मिक्स मिक्स वाला वीवी कितना बचा, वी माइनस वी एस
1 - 0.9, 0.1 m³ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 0.9। तो आप यहां से ईमिक्स भी निकाल सकते हैं, यू कैन गो थ्रू ईमिक्स एंड यू कैन डायरेक्टली सॉल्व वीवी बाय वी से। आप क्या निकाल सकते हैं गाइस, वीवी बाय वी, वीवी बाय टोटल वी से आप एन भी निकाल सकते हैं। एन इट इज इक्वल टू, आपको एन पूछा है, वीवी बाय वी। पॉइंट नाइन, पॉइंट वन, पॉइंट वन, ओके, पॉइंट वन इज द आंसर, यानी 10%, यानी कितना, 10%। इफ यू वॉन्ट ई, सो यू, आपको ई अगर चाहिए तो आप ई भी निकाल सकते, ई मिक्स अगर चाहिए तो आप ई मिक्स भी निकाल सकते, वॉइड बहुत कम है, सो ई मिक्स आपका क्या रहेगा, 0.1 / 0.9, लेकिन ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है आपको, आपको एन पूछा है, एन एन पूछा है, तो आप सिर्फ एन के लिए जाओगे, ओके, गॉट इट गाइस। इसमें किसी को डाउट, किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी। तारंग समझ लगा, समझा क्या तारंग, ओके ओके, देन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, जब हम क्वेश्चन नंबर टू के लिए जा रहे हैं तब देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये बोल रहा है, दो सॉइल सैंपल, अगेन दो सॉइल सैंपल, टू सॉइल सैंपल, ईच ऑफ 1 kg वेट एंड हैविंग वाटर कंटेंट ऑफ 50% एंड 80%। वाटर कंटेंट वन देखे है एंड वाटर कंटेंट टू देखे है, दो वाटर कंटेंट आपको देखे है, वाटर कंटेंट वन एंड वाटर कंटेंट टू, दो सॉइल सैंपल के लिए दो वाटर कंटेंट आपको देखे, आर मिक्स टूगेदर, अगेन मिक्स टूगेदर, वॉट इज द रिजल्टिंग एवरेज वाटर कंटेंट ऑफ सैंपल, एक एक केजी के है, टू सॉइल सैंपल ऑफ ईच 1 kg, मास इज गिवन, 1 kg मास इज गिवन, सो आपको क्या चाहिए, रिजल्टिंग, आपको क्या चाहिए, रिजल्टिंग वाटर कंटेंट चाहिए, ओके, रिजल्टिंग आपको, रिजल्टिंग एवरेज वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल चाहिए, एवरेज वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल चाहिए, सो वाटर, रिजल्टिंग वाटर कंटेंट ऑफ द सैंपल के लिए भी सेम, कोई चेंज नहीं, सेम रहेगा रिजल्टिंग वाटर कंटेंट के लिए भी, अभी जो मेथड से मैं गया वही मेथड से मुझे फिर से जाना पड़ेगा, ओके, फिर से जाना पड़ेगा, हाउ बताता हूं मैं अभी, हाउ किस तरह जाएंगे, देखो बोर्ड पे देखते हैं, हाँ, टू सैंपल्स है, दो सैंपल्स है, तो वैसे ही सैंपल ए सैंपल बी देखेंगे, सैंपल ए सैंपल बी अनमिक्स्ड, तो एक एक केजी के 1 1 kg, सो 1 1 kg, अब वेट यानी सॉरी मास की बात हो रही है, सो मास की बात हो रही है, तो मास ऑफ वॉइड्स टू द मास ऑफ सॉलिड, तो वॉइड में क्या रहेगा गाइस, वॉइड में रहेगा वॉटर, तो वॉटर का ही मास लेंगे, मास का क्या लेंगे, वॉटर का लेंगे सिर्फ और सिर्फ, यानी अगर मैं यहां पे ये देख रहा हूं तो ये सॉलिड प्लस वॉटर, यानी वेट ऑफ वॉटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यानी जो 1 kg है टोटल वेट,
1 kg, वो क्या क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है प्लस वेट ऑफ वाटर। 1 kg क्या है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब आपको क्या देखे है, वाटर कंटेंट कितना देखे है, पहला 50% देखे, 50%। ओके, तो वाटर कंटेंट यानी क्या होता, वाटर कंटेंट यानी होता वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, दैट गिवन इज 50%, यानी 0.5 इज गिवन। ओके, सो यहां पे अगर मैं 0.5 डाल दू, क्या डाल दू, वेट ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू 0.5 ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, ये इक्वेशन में डाल दू, तो मुझे वेट ऑफ वाटर एक मिल जाएगा कितना रहता करके, यानी कितना केजी रहेगा करके। यस, लेकिन मुझे वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड मुझे कितना रहेगा करके मैं डाल दूंगा, तो वेट ऑफ वाटर के इसमें मैं डाल देता 1 kg इट इज इक्वल डब्ल्यू एस प्लस 0.5 डब्ल्यू एस, 0.5 डब्ल्यू एस यानी कितना हो गया, 1.5 डब्ल्यू एस डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.5 डब्ल्यू एस, यानी डब्ल्यू एस के टर्म्स में चाहिए मुझे, ये 1 kg है मेरा टोटल वेट, सो 1 डिवाइड बाय 1.5 डब्ल्यू एस, हाउ मच डब्ल्यू एस, मैं इरेज करता पहला क्वेश्चन, आप बाद में लिख लेना। ओके, नहीं वीडियो से देखते, वन डिवाइड बाय 1.5 हाउ मच गाइस, 0.667 0.667, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 0.667, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 0.667 kg, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 0.333 kg, अगर उसी के हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो। ओके, एंड ये ए के लिए है, अब बी के लिए देखते, जो बी है बी के लिए देखते, तो सैंपल बी के लिए जब मैं जा रहा तो सेम चीज 1 kg का ही सैंपल है, ईच 1 kg है सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, सो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब आप बोलेंगे सर वेट बोला है और आप केजी में क्यों ले रहे, ये तो मास है। ओके, सो गाइस ग्रेविटी बाय ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी बाय ग्रेविटी मैं कैंसिल कर सकता डायरेक्टली। ओके, सो इसीलिए जी जी कैंसल होगा, यानी मास इंटू एम इंटू जी दैट इज वेट, तो जी जी डिवाइड बाय में रहेगा तो कैंसल ही हो जाएगा, इसीलिए मैं उसका उतना टेंशन नहीं ले रहा। ओके, सो आपका अभी यहां पे कितना बोला है, 80% बोला है, यानी 0.8, 80% बोला है आपको, वन मिनट गाइस, एटी परसेंट बोला है, 0.8 यानी डब्ल्यू डब्ल्यू इट इज इक्वल टू 0.8 ऑफ डब्ल्यू एस, यानी कितना हो जाएगा गाइस, 1 इट इज इक्वल टू, ये वाला पहला इक्वेशन अगर पकड़ते और ये वाला सेकंड इक्वेशन पकड़ते, सॉल्व करते दोनों इक्वेशन को, सो डब्ल्यू एस प्लस 0.8 डब्ल्यू एस, सो 1.8 डब्ल्यू एस, सो व्हाट इज डब्ल्यू एस, 1 डिवाइड बाय 1.8, 0.556, 0.556, एंड डब्ल्यू डब्ल्यू 0.34, 0.34, 444 only, okay, that is in kg, in kg, okay, ये तो मुझे मिल गया अभी। अब मुझे क्या निकालना है, मिक्स निकालना है, मिक्स के लिए मुझे क्या बोला है, रिजल्टिंग एवरेज मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, वाटर कंटेंट चाहिए, एवरेज वाटर कंटेंट चाहिए। ओके, टू सॉइल सैंपल अगर मैंने लिया तो एवरेज वाटर कंटेंट मुझे चाहिए, सो एवरेज वाटर कंटेंट के लिए वेट ऑफ वाटर
एंड वेट ऑफ सॉलिड, एवरेज चाहिए एवरेज। सो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, एवरेज में निकालूंगा यानी मिक्स, मिक्स वाला देखता मैं अभी, मिक्स्ड, मिक्स्ड यानी ये मैं पहला पहला नाम देता इसको, इसको टू टू, इसको वन वन। सो मिक्स के लिए क्या करूंगा मैं, डब्ल्यू एस मिक्स्ड, डब्ल्यू एस वन प्लस डब्ल्यू एस टू। सो डब्ल्यू एस वन मेरा 0.667 है, 0.667 प्लस डब्ल्यू एस टू इट इज 0.556 एंड डब्ल्यू डब्ल्यू मिक्स्ड वेट ऑफ वाटर मिक्स, वेट ऑफ वाटर वन प्लस वेट ऑफ वाटर टू 0.333 प्लस 0.444 0.777 हाउ मच दिस 1.223। सो वाटर कंटेंड मिक्स, वेट ऑफ वाटर मिक्स टू द वेट ऑफ सॉलिड मिक्स इनटू 100%, अगर परसेंटेज में आपको चाहिए तो। हाउ मच, परसेंटेज में ही चाहिए मुझे। सो इट इज वेट ऑफ वाटर मिक्स, हाउ मच गाइस, सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री, 63.60 याला हुआ होता, ठीक है 63.53% इज नियरली इक्वल टू 63.6 इज द आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर टू, एनी डाउट गाइस, इज देयर एनी डाउट, प्लीज हैंड रेज, इज देयर एनी डाउट, अगर नहीं है डाउट तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले जाऊंगा। होने का आपको इधर से अगर नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो आप आगे भी दिख सकते हैं सेम स्क्रीन। राहुल कितनी क्वेश्चन सॉल्व डाले थे? एक पन्नी डाला सर, सुन एक पन्ने डाला नहीं सर, थे वेगनेस आंसर ये था बारे का हरकत नहीं, कंफ्यूज होता है फॉर्मूला में। हाँ जीटी कन्फ्यूजिंग है, त्याच्यामध्ये काही डाउट नाही आहे, त्या कारण पहिल्यापासून पाहिजे नाहीतर वाट लागते, सगळ्यात जास्त मार्कासाठी आहे आणि हा 7 टाइम्स जर रिवाइज राहिला तरच फायदा, नाहीतर काही फायदा नाही। सर थर्ड सॉल्व केलं तर 1.88 आंसर आलाय, थर्ड सगळा 1.88 इज करेक्ट आंसर ना, करेक्ट आंसर आहे 1.88। ओके थर्ड के लिए जाते हम, थोड़ा समझते समझते ही लिखते जाओ बेटर रहेगा। सो ए सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ, बल्क डेंसिटी है ना गामा, गामा देखे ओके इरेज करो नहीं ओके।
सो सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी गामा, गामा देखिए आपको 1.8 ग्राम पर सीसी, वाटर कंटेंट आपको देखिए डब्ल्यूसी इट इज गिवन 5%, वाइड रेशियो रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वाइड रेशियो कॉन्स्टेंट है ये बोला है. देन बल्क डेंसिटी पर ए वाटर कंटेंट विल बी, बल्क डेंसिटी आपका अगर वाटर कंटेंट चेंज किया तो क्या होगा ये आपको पूछा है. ओके, सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी, वाटर कंटेंट पहला वाला ये है और सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी सेकंड वाला वो है. तो किस तरह आप डायरेक्टली निकाल सकते ये मैं आपको बोर्ड पे बता देता. ओके, बोर्ड पे मैं आपको बता देता हाउ. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, देखो यहां पे क्या है कि डेंसिटी 1 इट्स गिवन 1.80 बल्क डेंसिटी इज गिवन, वाटर कंटेंट 1 इज गिवन 5% इज नथिंग बट 0.05. ओके, एंड आपको क्या पूछा है सेकंड वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट 2 के लिए आपको पूछा है, क्या पूछा वाटर कंटेंट 2 के लिए आपको पूछा है कि क्या रहेगा और आपको क्या बोला है E इज कॉन्स्टेंट, E1 इट इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 पूछा है और आपको क्या E2 यानी आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है गामा 2 फाइंड करने के लिए आपको बोला है. सर वाटर कंटेंट 2 दिला है ना 10%. यस वाटर कंटेंट, सॉरी वाटर कंटेंट 2 इज गिवन 10%, सो 0.1 10% यानी क्या है 0.1. सो गामा आपको निकालना है तो गामा इट इज इक्वल टू क्या होता है गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई इंटू एस आर अपॉन 1 प्लस ई, दैट इज फॉर्मूला ई इंटू एस आर इट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी. ओके, ये भी रिलेशन आपको पता है. सो यहाँ पे जी भी कॉन्स्टेंट है, ऐसे अभी मैं पकड़ लेता कि जी भी कॉन्स्टेंट है और E1 इट इज इक्वल टू E2 है ये तो आपको पता ही है. ओके, आपके पास अभी SR नहीं है और आपके पास G नहीं है, SR भी नहीं है और G भी नहीं है. सो आप एक तो आप क्या कर सकते हैं कि E इंटू एस आर जी प्लस E इंटू एस आर इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं. सर बोलेंगे डायरेक्टली कैसी, सो SR आपका चेंज हो रहा, वाटर कंटेंट से आप एस आर के लिए जा सकते हैं. ओके, वाटर कंटेंट से आप एस आर के लिए जा सकते और जी आपको नहीं भी पता रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. वाय, बिकॉज ऑफ आपके पास क्या है, आपके पास ये फर्स्ट डेंसिटी है और दूसरी चीज जब भी आप ये करोगे यानी E into SR इज इक्वल टू W into G में लिख सकता, W into G में लिख सकता E into SR को. तो मैं यही फॉर्मूले को मैं गामा डब्ल्यू, ओके गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस डब्ल्यू इंटू जी भी मैं लिख सकता, इस तरह भी मैं लिख सकता. क्यों, E into SR is equal to W into G ये रिलेशन तो अपने को पता, यही मैं E into SR के वैल्यू में यहां पे डाल सकता W into G के टर्म्स. अब W क्यों मैंने डाला, W इट इज नथिंग बट वाटर कंटेंट. ओके, वाटर कंटेंट, सो वाटर कंटेंट मेरे पास है और मेरा ये जी जो है वो मेरा बाकी सॉइल सैंपल मेरा सेम है, सिर्फ और सिर्फ वाटर कंटेंट मेरा चेंज हो रहा है तो जी भी मेरा सेम है. सो जी मैं बाहर निकाल सकता है यानी गामा डब्ल्यू इंटू जी वन प्लस वाटर कंटेंट, वन प्लस वाटर कंटेंट यानी ये डब्ल्यू जो है ना आप वाटर कंटेंट ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर कंटेंट और सिंपली इट इज W. ओके, okay, W भी आपने लिखा तो भी चलेगा, 1 प्लस E, सो दैट इज गामा. सो अब यहां से कांस्टेंट क्या है मेरे गाइस, कांस्टेंट्स ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, गायब. 1 प्लस E इट इज कांस्टेंट, गामा W इंटू G इज कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट को डिलीट मार डालो. सो गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस W, 1 प्लस W. सो इट इज 1, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस W.
सो गॅमा इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 प्लस डब्ल्यू. तो गॅमा 2 डिवाइड बाय गॅमा 1 इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू 1. सो वी कैन गो फॉर दिस, यानी गॅमा 2 डिवाइड बाय गॅमा 1 इट इज 1.8. इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस वॉटर कंटेंट 2. वॉटर कंटेंट 2 कितना था? 10% है मेरा, यानी 0.1 डिवाइड बाय वॉटर कंटेंट 1, 0.05. यू डोंट हैव अ कैल्सी, सॉरी यू हैव अ कैल्सी, आप कैल्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास गेट कैलकुलेटर है. सो 1.1 डिवाइड बाय 1.05 इंटू 1.8, दैट इज द आंसर ऑफ गामा 2. तृप्ति अशीच गेली की काही वेगळ्या मेथडने गेली? गॅमा डी इज इक्वल टू गॅमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू द रिलेशन लावलं बट गॅमा डी बल्क डेन्सिटी दिली आहे तिथे. गॅमा डी काढलं असेल तू मग ते कॉन्स्टंट नाही, गॅमा डी इट इज इक्वल्स टू गॅमा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू केलं ना तू, तर तुझ्याकडे गॅमा आहे 1.8 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इट इज 0.05. सो गॅमा डी तुझा निघून जाते, याने पण तू जाऊ शकते, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. यान तू गेली तर तुला सेकंड गॅमा डी भेटला, गॅमा डी तर सेमच राहणार आहे, वॉटर कंटेंट दुसरा टाकून दिला तर गॅमा भेटून जाते. और एक्झॅक्टली तुम इससे भी जा सकते हो गाइस. सो 1.8 डिवाइड बाय 1.15 दैट इज गामा डी. देन गामा डी इट इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइड बाय 1.05 इट इज इक्वल्स टू गामा दूसरा निकालना है 1 प्लस डब्ल्यू यानी 0.1, यहां से आपका गामा भी निकल जाता. यानी ये दो तरीके हैं निकालने के, वी कैन गो थ्रू दिस और गो थ्रू दिस, ये ज्यादा इजी है. ड्राई डेंसिटी नॉट चेंज. Why? Because आपका soil sample वही है. Density it is equals to volume, weight of solid to the total volume. So weight of solid to the total volume आपका उतना ही है, वो कोई changes नहीं है, क्योंकि E change नहीं हो रहा, E is constant, so void volume of void is constant. Okay. So that's why E change नहीं हो रहा, इसलिए आप गामा डी भी यूज कर सकते. E अगर चेंज होता था तो गामा डी आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे. ओके क्वेश्चन नंबर 4-5 भी सॉल्व हो गया क्या तृप्ति? नाही सर, फर्स्ट आणि सुद्धा चालू होत. बर, काय हरकत नाही. आ गया 1.88. ओके वी मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 4-5. लिख के होने का ही है क्या? बहुत फास्ट आता क्या गाइस? में क्वेश्चन नंबर 4-5. ओके सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4-5 में क्या देखे? देखो, ए सॉइल इज टू बी एक्सकैवेटेड फ्रॉम बोर पिट, यानी गड्ढे से गड्ढा किया गया. बोर पिट यानी क्या? गड्ढा, गड्ढा किया गया. विच हैज डेंसिटी, यानी गड्ढे की डेंसिटी कितनी है, जहां पे सॉइल है, गड्ढे पे जो भी सॉइल है उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.75
ग्राम पर सीसी में देखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर कंटेंट देखिए 12%। द सॉइल हैज टू बी कॉम्पैक्टेड टू दैट वाटर कंटेंट, यानी सॉइल वहां से बोरफीट से उठा के दूसरी जगह डाली गई। ओके, दूसरी जगह डाली गई तो एम्बैकमेंट अगर बना रहे हम तो वहां पे बैकफिलिंग में डाली गई, तो वहां पे डाली गई तो कितना डाली गई, 18% उसका वाटर कंटेंट था। और उसकी ड्राई डेंसिटी जो है, गाइस प्लीज यहाँ पे आप ध्यान दो, पहले क्या देखिए, आपको डेंसिटी देखिए, सिर्फ डेंसिटी यानी बल्क डेंसिटी, और दूसरे इसके लिए आपको क्या देखिए, ड्राई डेंसिटी देखिए। ओके, दूसरे इसके लिए आपको क्या देखिए, ड्राई डेंसिटी देखिए है। सो ड्राई डेंसिटी देखिए है, और आपको क्या बोला है, क्या वॉल्यूम बोला है, फॉर 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोला है। कितना बोला है, 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम तो 1000 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल फिल एस्टिमेटेड। आपको क्या क्या पूछा है, फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकैवेटेड, यानी एक्सकैवेट कितनी क्वांटिटी हुई है ये पूछा है, क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी एक्सकैवेटेड फ्रॉम बोरपिट, बोरपिट से कितनी क्वांटिटी एक्सकैवेट हुई है। सीधी सीधी बात, यहाँ पे कॉम्पैक्टेड कितना किया गया है, 1000 मीटर क्यूब किया गया है, यानी वी टू देखे आपको, वी वन पूछा है, वी वन पूछा है, तो कैसे निकालोगे वी वन वी टू, मैंने रिलेशन बताया था, वी वन बाय वी टू इट इज इक्वल टू गामा डी टू बाय डी वन। देखो बोर्ड पे, ओके, सबसे पहले आप ये समझ लो कि हो रहा क्या, क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए, आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आपको एक जगह से गड्ढा खोद के दूसरी जगह फील करना है। अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, 1-2 करोड़ का सपोज, उसमें से आपने कम से कम 50 लाख अर्न कर लिए। हो सकता है सिविल में ही पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ। तो ये आपका पिट है और ये आपका फिल है, यहाँ पे आपने फिल किया, तो फिल का वॉल्यूम आपको देखिए कितना देखिए, फिल का वॉल्यूम आपको देखिए 1000 मीटर क्यूब देखिए, 1000 मीटर क्यूब आपको वॉल्यूम देखिए। आपको डेंसिटी कौन सी देखिए, ड्राई डेंसिटी इज गिवन, विच ड्राई डेंसिटी इज गिवन, हाउ मच, 1.65, एंड वॉटर कंटेंट टू इट्स गिवन, हाउ मच वॉटर कंटेंट टू, 18%, इट्स नथिंग बट 0.18। ओके, आप पहले इस पे आते हैं, ये क्या निकालना है, ये टू का आपको देखिए, दैट इज टू, वी वन फाइंड करना है। ओके, गामा देखे है आपको 1.75 ग्राम पर सीसी, दैट इज ऑल्सो ग्राम पर सीसी, एंड अगेन 12% वाटर कंटेंट, इट्स नथिंग बट 0.12। सो हाउ कैन यू सॉल्व, ओके, सबसे पहले गामा डी का रिलेशन अपने को पता है, व्हाट इज गामा डी रिलेशन, अगर मुझे वी वन निकालना है, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए मैं जा रहा, सो वी वन बाय वी टू इट इज इक्वल टू गामा डी टू बाय गामा डी वन, कैसी, सो गामा इट इज इक्वल टू गामा डी इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब वेट ऑफ सॉलिड कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट फॉर ए सॉइल, एक सॉइल के लिए, एक सॉइल सैंपल अगर आप दे रहे हैं, ये सेम ही सॉइल आप खोद रहे हो, सेम ही सॉइल आप वहां पे डाल रहे हैं, सेम सॉइल है, कोई दूसरा सॉइल सैंपल नहीं है, समझे क्या, मिक्स कर रहे हैं क्या दोनों, जैसे अभी दो क्वेश्चन अपन ने किए उसे मिक्स मिक्स वाले है क्या, नहीं, एक ही सॉइल सैंपल है, यहां से गड्ढा कर रहे हैं और यहां पे डाल रहे हैं, एक ही सॉइल सैंपल। तो एक ही सॉइल सैंपल के लिए आपका जो ये जो है डब्ल्यू एस जो है, वेट ऑफ सॉलिड जो है, वो सेम ही रहेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट, निगलेक्ट। सो गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, टू द वॉल्यूम, सो दैट्स व्हाई वी वन बाय वी टू इट इज इक्वल टू गामा डी टू बाय गामा डी वन। बट गामा डी वन यानी ड्राई डेंसिटी ऑफ वन आपके पास है क्या, नहीं है, बल्क डेंसिटी देखिए, क्या देखिए, बल्क डेंसिटी। सो फर्स्टली फाइंड
व्हाट फाइंड ड्राई डेंसिटी. ओके सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ड्राई डेंसिटी निकालना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड ड्राई डेंसिटी, गामा डी का अभी अभी फॉर्मूला दिखा अपन ने, ये इसमें गामा अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, गामा अपॉन वन प्लस डब्ल्यू. सो गामा क्या है आपका, गामा इट इज 1.75 अपॉन 1 प्लस 0.12. हाउ मच गामा डी, 1.56 ग्राम पर सीसी. ओके गामा डी वन. अब आप डायरेक्टली वॉल्यूम वन भी निकाल सकते हैं, वी वन बाय वी टू, वी टू इज 1000, वी वन बाय वी टू इट इज इक्वल टू गामा डी टू, गामा डी टू, गामा डी टू इज दिस 1.65 डिवाइड बाय डी वन 1.56 वी वन. हाउ मच इन टू कर दो मिल जाता. ऑप्शन 1056 इज द नियरेस्ट आंसर. ओके 1056 इज द नियरेस्ट आंसर. सो नियरेस्ट वन 1056 मीटर क्यूब. समझा क्या ये समझा क्या आपको, यानी आपको अगर 1000 स्क्वायर मीटर अगर फिल करना है यहाँ पे, तो आपको खोदना कितना पड़ रहा, क्वांटिटी 1056 मीटर क्यूब आपको खोदना पड़ रहा, तब आपको क्या मिल रहा यहाँ पे 1000 मिल रहा. लेकिन कौन से कंडीशंस के लिए, ये वाटर वाटर आपका वाटर कंटेंट ये रहेगा और वहां पे डेंसिटी भी आपकी कम हो रही. डेंसिटी कब कम होती गाइस, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी यहाँ पे वॉइड रेशो बढ़ गया होगा, वॉइड रेशो बढ़ गया इसलिए यहाँ पे वेट कम हो गया. ओके सो वॉइड रेशो बढ़ गया इसीलिए आपका वॉल्यूम जो है इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा कि डेंसिटी कम हो गई. लेकिन ड्राई डेंसिटी पहले आपने फिल किया, फिल के बाद एम्बैकमेंट वगैरह किया, तो ड्राई डेंसिटी टू इट इज ग्रेटर देन ड्राई डेंसिटी वन. सो ड्राई डेंसिटी टू ज्यादा है. ओके ड्राई डेंसिटी टू ज्यादा है. सो इफ इट इज ड्राई डेंसिटी इज मोर देन वॉइड रेशियो इज लेस. ओके वॉइड रेशियो इज लेस क्यों, क्योंकि हमने लास्ट इसमें ये भी एक रिलेशन देखा था, गामा डी टू बाय गामा डी वन इट इज इक्वल टू वन प्लस ई अपॉन वन प्लस ई वन बाय वन प्लस ई टू वी वन बाय वी टू. ये हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन देखा था. नहीं गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर गामा डी बढ़ रहा है तो वॉइड रेशियो घट रहा है. ओके वॉइड रेशियो क्या कर रहा है, घट रहा है. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है. ओके इसी सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 इसी के इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है वो देख लेते. अमाउंट ऑफ वॉटर टू बी एडेड इन स्टोन सॉरी इन टन्स इज, अमाउंट ऑफ वॉटर कितना ऐड किया है इन टन्स में ये आपको पूछा गया है. ओके टन्स में कितना ऐड किया गया है ये आपको पूछा है. सो अमाउंट ऑफ वॉटर टू बी एडेड, यानी आपने वॉटर कंटेंट आपका पहले 12% था, बाद में 18% हो गया, तो 12% से 18% वाटर कंटेंट तो हो गया आपका, तो आपको वाटर कितना ऐड करना पड़ा है काय के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए. अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन टन में आपको निकालना. सो कैसे निकालोगे, हाउ
हाउ गाइस हाउ देखो वाटर कंटेंट पहला कितना था आपका 12% था 12% और दूसरा कितना है 18% यानी आपने वाटर कंटेंट कितना ऐड किया 6% ऐड किया ओके सो वाटर टू बी एडेड इट इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट टू फाइनल माइनस इनिशियल आप बोल सकते हैं टू यानी सीधा सीधा फाइनल माइनस वाटर कंटेंट इनिशियल सो वाटर कंटेंट फाइनल इट इज 18 माइनस 12 6% ओके वाटर टू बी एडेड सो एडेड के लिए अब ये परसेंटेज में हो गया गाइस अब मुझे क्या चाहिए मुझे टन्स में चाहिए या फिर केजी में चाहिए सबसे पहले मुझे केजी में निकालना पड़ेगा तो केजी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गामा डी इंटू वी अगर मैं कर दू वॉल्यूम अगर मैं कर दू इंटू मैं वाटर कंटेंट इंटू कर दू सो मुझे क्या मिल जाएगा ये ड्राई डेंसिटी है मेरी ये मेरी ड्राई डेंसिटी है सो ड्राई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी मेरा ये काम हो गया ये केजी ये मेरा अगर आप बोलते हैं कि वाटर कंटेंट टू बी एडेड यानी कितना एडेड ड्राई डेंसिटी 2 इंटू वॉल्यूम 2 इंटू 6% एडेड इंटू 6% एडेड सो बड़ा क्यों ड्राई डेंसिटी यानी आपकी इंक्रीज क्यों हुई तो यानी आपने वाटर इंक्रीज कैसी हुआ सो वेट ऑफ वाटर टू द यानी वेट ऑफ वाटर फाइनल माइनस वेट ऑफ वाटर इनिशियल ऐसी भी आपने किया तो भी चलेगा सो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा सो वेट ऑफ वाटर फाइनल इट इज नथिंग बट गामा डी इंटू वाटर गामा डी इंटू वी इंटू वाटर कंटेंट ओके गामा डी इंटू वी इंटू वाटर कंटेंट माइनस अगेन इनिशियल में भी आप वैसे ही कर सकते हैं गामा डी इंटू वी इंटू वाटर कंटेंट इनिशियल के लिए तो उसमें से गामा डी इंटू वी कॉमन निकल जाता तो आप बोलेंगे सर गामा डी इंटू वी अगर कॉमन निकल जाता तो वी वन गामा डी वन और वी वन भी निकलने को ना नहीं सो मैं क्या करूंगा मैं डायरेक्टली मुझे एडेड होना तो मैंने फाइनल वाटर कंटेंट माइनस इनिशियल वाटर कंटेंट मैं करूंगा तो फाइनल वाटर कंटेंट मेरा 18% है मेरा इनिशियल वाटर कंटेंट कितना है 12 है तो टोटल 6% मेरा मैंने ऐड किया सो अभी ये ऐड किया तो इसका वेट चाहिए मुझे तो वेट कैसे मिलेगा गामा डी इंटू वी टू से मिल जाएगा सो गामा डी इंटू वी टू गामा डी मेरा कितना है 1.65 thousand इंटू 6% 0.06 हाउ मच दैट इज इन केजी वाटर टू बी एडेड इन केजी 99 टन्स और केजी इंटू 10^10 समथिंग निकला होगा ना नहीं सर 99 आला वन मिनट हाँ दैट इज 1.65 ग्राम पर सीसी सो प्लीज हियर नोट ग्राम पर सीसी इज डायरेक्टली इक्वल्स टू टन्स पर मीटर क्यूब तो यहां पे टन पर मीटर क्यूब मैं लिख सकता दैट मीटर क्यूब गेट कैंसल तो आंसर इज टन 99 हाउ डायरेक्टली कैसे लिखा मैंने ग्राम पर सीसी इज इक्वल्स टू टन पर मीटर क्यूब किस तरह लिखा सो ग्राम पर सीसी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 ग्राम इट इज इक्वल्स टू 1000 kg 1000 ग्राम इट इज इक्वल टू 1 kg ना गाइस 1000 ग्राम इट इज इक्वल टू 1 kg सो यानी 1 kg अगर मैं लिखता तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब को मुझे केजी में हो गया मेरा मीटर क्यूब में करना है तो मैं क्या करूंगा 100 सेंटीमीटर
क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज इक्वल टू मीटर क्यूब ना, 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो अभी आप अगर देखोगे यानी 1 केजी, केजी अब मुझे ये केजी में मिल गया. अब मुझे अगर इसको टन्स में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 केजी इज इक्वल टू 1 टन, है ना. अगर मैं इसको टन्स में करता तो ये पहले ही 1000 था, तो ये 1000 पहले ग्राम का 1000 में था, तो अभी ये केजी में अगर कर दूंगा मैं, केजी का टन में अगर कर दूंगा तो फिर से 1000 करना पड़ेगा मुझे, इनटू ग्राम इट इज इक्वल टू टन डिवाइड बाय, ये वैसे के वैसे मीटर क्यूब में ही चाहिए था मुझे, तो ये इंटू 10^3 यानी 100 × 100 × 100 मैं 3 बार लिख सकता, डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन कर रहा मैं. ओके, सो 0000000000 कैंसिल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू टन्स पर मीटर क्यूब डायरेक्टली. ओके, सो दैट्स व्हाई टन्स पर मीटर क्यूब वाटर टू बी एडेड. ओके, फॉर्मूला इज गामा डी इनटू वी इनटू फाइनल वाटर कंटेंट माइनस इनिशियल वाटर कंटेंट, जो भी आपने वाटर कंटेंट ऐड किया है वो वाटर कंटेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर नहीं समझ लो. नहीं समझ लो? नहीं. अच्छा, काय नहीं कर लो सांग, बाकी तो काय फटाफट फटाफट. 1.65 इनटू 1000 इनटू 0.06 आई ना थी, 1.65 इनटू 1000 हाँ इनटू 0.06 है. हाँ 0.06 का साला तेरे ने कर लगा? नहीं, तो चलांतर में टर्न बाय मीटर क्यूब में दिया ना, तो टर्न टर्न है या तो कन्वर्जन इतने संगीत लाये में टर्न पर मीटर क्यूब सा, तो मग आंसर टर्न पर मीटर क्यूब में इस जनर टर्न्स मीटर क्यूब में देना है ना, मीटर क्यूब इट कैंसल, टर्न्स में देना होगा. तुझा जे डेंसिटी जो है तुम्हारी वो काय में है, तुम्हारी डेंसिटी है टन्स पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी यानी सीधा सीधा टन पर मीटर क्यूब, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका कन्वर्जन भी मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी. ओके, अगर केजी में आप करते तो 1 केजी इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके, और 1 टन इट इज इक्वल टू 10^6 ग्राम, सो 10^6 गेट कैंसिल, बचा क्या, ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू टन पर मीटर क्यूब, तो आपने डायरेक्टली ये कर दिया. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मेरा गामा डी इंटू वी इंटू वाटर कंटेंट, ये फॉर्मूला है. तो वाटर कंटेंट मेरा परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का उसको मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज मैंने निकाल लिया, तो 0.06 हो गया, यानी 6/100 कर दिया. तो ओके, आता कर लगा क्वेश्चन नंबर 6, गेट 1989, बाप रे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन था ये 1989. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या पूछा है, यहाँ पे बहुत कुछ पूछा है वैसे, थोड़ा कम कर लेते हैं. हाँ, सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए एम्बैकमेंट द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बोर एरिया, जहां पे बोर पिट किया वहां से बोर एरिया, यूजिंग ए ट्रक विच कैन कैरी 6 मीटर क्यूब, कैरी कितना कर रहा 6 मीटर क्यूब एट ए टाइम, 6 मीटर क्यूब एट ए टाइम कर रहा, डिटेल एज फॉलोस,
बोरप्रीट का बल्क डेंसिटी देखिए, वाटर कंटेंट देखिए, ट्रक की बल्क डेंसिटी देखिए, वाटर कंटेंट देखिए, फील्ड की बल्क डेंसिटी देखिए, वाटर कंटेंट देखिए। तो नंबर ऑफ ट्रक्स लोडेड, नंबर ऑफ ट्रक्स आपको निकालना है, क्या निकालना, नंबर ऑफ ट्रक्स, ट्रक लोड्स, नंबर ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 100 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड अर्थ, 100 मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड अर्थ के लिए आपको सबसे पहले निकालना है। ओके, सो यानी आपको कॉम्पैक्टेड क्या वॉल्यूम कितना देखे, वी फाइनल कितना देखे, 100 देखे। तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, वी इनिशियल निकालेंगे। और आपको ट्रक का वॉल्यूम कितना देखे है, 6 मीटर क्यूब देखे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये इजी है, हार्ड नहीं है ये। यही सेम फंडा, नो चेंज। यहाँ पे बस क्या आ गया, अभी ट्रक आ गया आपका, एक आपका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा, तो आपने ट्रक भी खरीद लिया, ट्रक से लेके जा रहे अभी आपका जो भी व्हीकल है, तो ट्रक फिल करके जा रहे आप। ओके, सॉइल ट्रक में फिल करके जा रहे, तो ये ट्रक का वॉल्यूम देखिए 6 मीटर क्यूब है ना। तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पे बल्क डेंसिटी लिख लो, हाउ मच बल्क डेंसिटी, 1.15, वाटर कंटेंट 6%, वी 3 दैट 2, V2 है क्या, नो दैट इज नॉट अ V2, ये ट्रक का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ट्रक। वॉल्यूम ऑफ ट्रक नॉट अ V2, V2 कितना लग रहा वो नहीं पता। सो गामा D3 इज 1.82, वाटर कंटेंट 3 14%, 0.14, 0.06, ओके, गामा 1.66, वाटर कंटेंट 1.8। सबसे पहली बात, मुझे डायरेक्टली V3 देके है 100 मीटर क्यूब, मुझे V2 फाइंड करना पड़ेगा कितना लगेगा करके, कितना ट्रक मेरा जाएगा, कितना ट्रक में भर के मेरा जाएगा वो निकालना पड़ेगा, बाद में मुझे पता चलेगा कि लोडेड ट्रक मेरे कितने आ रहे करके। ओके, सो उसके लिए मुझे गामा D2 भी निकालना पड़ेगा और गामा D1 भी निकालना, यानी D3 भी निकालना पड़ेगा। सो गामा D2 और गामा D1 के लिए आपको पता है गामा अपॉन 1+W, गामा अपॉन 1+W, यस। सो व्हाट इज गामा अपॉन 1+W, गामा इट इज इक्वल्स टू 1.15 अपॉन 1+0.06, हाउ मच, एंड दिस इज अगेन 1.82 अपॉन 1+0.14। गामा D2, गामा D3, ड्राई डेंसिटी, क्योंकि ड्राई डेंसिटी का रिलेशन यहां पे देखे
dry density is inversely proportional to the volume. (1.59 gram per cc) So from this equation we can solve V2 by V3, it is equals to gamma D3 by gamma D1, sorry D2. So V2 by 100 upar chale jayega into D3 1.59 divided by 1.08. How much V2 required? यानी वॉल्यूम में ट्रक में वॉल्यूम कितना चाहिए, फिर कितना वॉल्यूम आपको लेके जाना पड़ेगा पिट से. क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, ये पेज नंबर 13. 147.22. सो ये 147.22 मीटर क्यूब, इतना आपको ट्रक में टोटल वॉल्यूम लेके जाना पड़ेगा 100 मीटर क्यूब कॉम्पैक्ट करने के लिए. अब ICQ 100 के लिए 147 क्यों लेके जाना पड़ेगा मुझे? अरे वो कॉम्पैक्टेड नहीं है, वो लूज है. लूज में वॉइड रेशियो ज्यादा रहेगा, वॉइड ज्यादा रहेगा, है ना. कॉम्पैक्ट कर रहे, कॉम्पैक्ट करके लेके जा रहे हैं ट्रक में, नहीं कॉम्पैक्ट कहां पे कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं. कॉम्पैक्ट करके क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, है ना. समझ रहे क्या क्या हो रहा, कॉम्पैक्ट करके क्या हो रहा है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है. वॉल्यूम क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा है. कॉम्पैक्ट करके वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे मुझे वॉल्यूम कितना ज्यादा लग रहा, कितना लग रहा, 147, है ना तृप्ति. मीटर क्यूब. और कैपेसिटी ऑफ ट्रक कितना है, वॉल्यूम 6. सो नंबर ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड, ट्रक लोड कितना करना पड़ेगा, 147.22 डिवाइड बाय 6. 24.53. तो टेक इट हायर साइज, आप 24.53, इट इज नथिंग बट 25. हायर साइड राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको. क्यों? क्योंकि आप 24 अगर कर दिए तो 0.53 वाला वॉल्यूम तो कम हो जाएगा आपका, इसीलिए आपको हायर साइड उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. सो नॉस इट इज इक्वल टू 25 इज द आंसर. एडिशनल क्वेश्चन गाइस, इसमें ये पहले लिख लो, और एक एडिशनल क्वेश्चन अपन इसका लिखते हैं. Additional question, please. Additional practical question. आवाज नहीं आता सर. भी आ रहा आवाज? हेलो. जनरली क्या रहता है कि कैपेसिटी जो भी रहती है
वो केजी और टन्स में देके रहती है। ओके एक मिनट, केजी और टन्स में देखी रहती है कैपेसिटी, राइट? सो केजी और टन्स में देखी रहती है, इसीलिए अगर मेरा ट्रक जो है वो अगर आपका 8 टन्स के कैपेसिटी का अगर रहा तो मुझे कितने नंबर ऑफ ये लेके जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ ट्रक लोड्स। Required if truck capacity is 8 tons. Truck capacity it is 8 tons. Truck capacity it is 8 tons. ओके अगर 8 टन्स आपकी ट्रक कैपेसिटी है, 8 टन आपकी ये कैपेसिटी है, तो आपको कितना नंबर ऑफ ट्रक्स लेके जाना पड़ेगा। आप V2 आपका कितना है गाइस? 147.22 मीटर क्यूब है। सो V2 इनटू अगर मैं ये कर दू गामा टू क्यू, ड्राई डेंसिटी नहीं, वेट आपकी बल्क डेंसिटी, जो भी बल्क वॉल्यूम है आपके पास, बल्क वॉल्यूम है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट भी मिक्स है। ओके बल्क वॉल्यूम है, तो मैं क्या कर दूंगा, दैट ये जो ट्रक है मेरा, ये ट्रक की कैपेसिटी अभी कितनी है, 8 टन की है आपकी। कितने टन की है? 8 टन की। 8 टन की वेट कैपेसिटी है आपकी, तो आपके ट्रक में यानी 8 टन के लिए कितना वॉल्यूम जाने का होना वो मुझे निकालना पड़ेगा। मेरा वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है मुझे, 100 मेरा फिल करने के लिए, यानी 100 मीटर क्यूब फिल करने के लिए मुझे 147 मीटर क्यूब लगने वाला है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निकाल लिया। ओके सो वो तो सेम ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 88 टन के लिए मुझे कितना लगेगा करके। सो सबसे पहले 8 टन के लिए, 8 टन में यानी कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम जाएगा, 8 टन यानी कितना वॉल्यूम जाएगा वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो 8 टन यानी वॉल्यूम क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रक अगर मैं देखता तो ऑन ईच ट्रिप इट इज इक्वल्स टू गामा इनटू V2 अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मेरा कैसे निकल जाएगा, गामा यानी ये केजी पर मीटर क्यूब इनटू अगर V2 मैं कर दू सो केजी में वेट निकल जाएगा, वो वॉल्यूम नहीं निकलेगा। हाँ डिवाइड बाय, अगर आपने ये कर दिया डिवाइड बाय केजी, हाँ ओके गामा टू द टन्स यानी kg/kg कैंसल मीटर क्यूब, वेट कैपेसिटी। सो आप यहां से भी जा सकते, तो डेंसिटी आपकी जो भी डेंसिटी है, डेंसिटी टू द कैपेसिटी, तो डेंसिटी आपकी कितनी है अभी, डेंसिटी आपकी है 1.1
1.15 कैपेसिटी कितनी है 8 टन्स सो 1.15 तो टन्स पर मीटर क्यूब और कैपेसिटी इट इज इन टन्स ये टन्स पर मीटर क्यूब में हो गया और ये टन्स में हो गया टन टन गेट कैंसिल मीटर क्यूब नहीं उल्टा लिखा मैंने सॉरी कैपेसिटी डिवाइड बाय गामा कैपेसिटी डिवाइड बाय गामा दैट इज केजी यानी टन्स ये टन्स में है और ये केजी पर मीटर क्यूब में सो केजी नहीं टन्स पर मीटर क्यूब में सो टन्स टन्स गेट कैंसल बचा क्या मीटर क्यूब ऊपर चले गया तो कैपेसिटी इट इज इक्वल टू हाउ मच कैपेसिटी 8 एंड 1.15 इट्स गामा सो हाउ मच गाइस 6.95 अब 6.95 मीटर क्यूब उसकी कैपेसिटी है वहां तक वो लेके जा सकता है ना तो नंबर ऑफ ट्रक्स लोडेड अगर आपको निकालना है तो वही नंबर नॉस कैसे निकलेंगे फिर नॉस इट इज इक्वल टू वी टू 147.22 डिवाइड बाय 6.95 ओके यहां से आप निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली वेट डिवाइड बाय भी करके कर सकते हैं और टोटल वेट नॉस इज इक्वल टू टोटल वेट टू द कैपेसिटी वीसी भी आप कर सकते हैं यानी कैपेसिटी एक ट्रक की कैपेसिटी टोटल वेट डिवाइड बाय कैपेसिटी करके भी कर सकते हैं तो टोटल वेट यानी गामा इंटू वी टू गामा टू इंटू वी टू डिवाइड बाय कैपेसिटी से भी आप निकाल सकते हैं सो गामा टू इट इज इक्वल टू 1.15 टू वी टू इट इज इक्वल टू 147.22 डिवाइड बाय कैपेसिटी इट इज इक्वल टू 8 दोनों जगह से सेम आंसर निकलेगा क्योंकि दोनों भी सेम ही है अगर आप वेट वेट से जाते हैं तो भी चलेगा और अगर आप वॉल्यूम वॉल्यूम से जाते हैं तो भी चलेगा लेकिन आपको अगर पूछ लिया कि ट्रक का वॉल्यूम निकाल लो तो आपको ये मेथड से जाना पड़ेगा ओके यस एग्जैक्टली 21.16 इज नथिंग बट 22 ओके दोनों जगह से सेम निकल रहा क्या आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ट्राई करना चाहते हो खुद से हेलो मैं ये सोच रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आप खुद से ट्राई करो अभी आपको बहुत सारे आइडियाज आ गए होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देखो सो अपन इसको बाद में देखते हैं ओके तीन क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखो